हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिने गुरु जी चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए सुपरस्टार प्रभास एंड पूजा हेगड़े स्टारर रिसेंटली रिलीज्ड एक मूवी राधे श्याम का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है राधा कृष्ण कुमार जी ने और इसको 11 मार्च 2022 को 5 लैंग्वेजेज हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में रिलीज किया गया है। इस फिल्म का बजट 300 से 350 करोड़ के बीच में था और इसका जो फर्स्ट डे का कलेक्शन हुआ दैट इज अबाउट 79 करोड़। और इसकी अभी तक की IMDb रेटिंग है 7.4 out of 10। इस फिल्म में प्रभास एक फेमस पाल्मिस्ट विक्रमादित्य का किरदार कर रहे हैं। पाल्मिस्ट मतलब की जो हथेली पढ़ करके आपका भविष्य बताता है। एंड इसकी स्टोरी एक फेमस यूरोपियन पाल्मिस्ट एस्ट्रोलॉजर विलियम जॉन वार्नर से इंस्पायर्ड है। इसी वजह से इस फिल्म की मैक्सिमम शूटिंग यूरोपियन कंट्री इटली के ही एक तुरिन शहर है वहां पर एंड जॉर्जिया में की गई है। इस फिल्म की शुरुआत के बाद ही एक सॉन्ग होता है उड़ जा परिंदे न रुक यहां करके। इस सॉन्ग में प्रभास सर को स्कीइंग करते हुए दिखाया गया है। इस सीन को इटली में रिकॉर्ड किया गया था और इस छोटे से सीन के लिए काफी ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ी थी। इस लोकेशन पर कैमरा एंड अदर इक्विपमेंट्स लाने के लिए एक हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ी थी और साथ ही जो व्हीकल थे उन पर भी ये सारा सामान लेके आया गया था यहाँ पर। वैसे यहाँ पर आपको काफी सारे लोग दिख रहे हैं स्कीइंग करते हुए, लेकिन उस सांग में केवल प्रभास सर दिखाई देंगे। यह पीटीएस सीन उस समय का है जब पूजा हेगड़े को एक ट्रेन में दिखाया जाता है और इन्हें ट्रेन से बाहर की तरफ लटकना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सीन। वैसे ट्रेन वाली जितने भी सीन है वो सारे ही वर्चुअल बॉक्स में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके लिए एक बड़ा सा सेट तैयार किया गया था जहाँ पर ट्रेन की एक बोगी को प्लेस किया गया था और जितनी भी जगहों से आप इस ट्रेन को जाते हुए देखते हो सारी ही VFX और CGI की मदद से बनाई गई है। रियलिटी में तो ये ट्रेन एक ही जगह पर खड़ी रहती है और सारी ही शूटिंग ट्रेन वाली वहीं पर की गई है। जो भी लटकने वाले सीन हैं वो भी खड़ी हुई ट्रेन पर ही शूट किए गए हैं। इस फिल्म में आपको भाग्यश्री जी भी दिखाई देंगे। इन्होंने अपनी लास्ट फिल्म थलाइवी में संध्या का किरदार किया था और इस मूवी में ये विक्रमादित्य यानी कि प्रभास सर की माम का किरदार कर रही हैं और लंदन आइडियल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रिपरेशन भी कर रही होती हैं। तो यह उसी का BTS सीन है। इस फिल्म में इटली को 1970s के टाइम का प्रेजेंट किया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो सेट तैयार किया गया था और जो व्हीकल्स वगैरह थी वो सारी प्रेजेंट की गई हैं। इवन इसकी जो कलर ग्रेडिंग है वो भी उसी समय के अकॉर्डिंग की गई है। और यह PTS उस समय का है जब प्रभास सर और पूजा दोनों ही लोग ट्रेन से उतर करके बस पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं और जब ये लोग बस में बैठे होते हैं उसके बाद में आगे एक ब्रिज पर एक जाम लग जाता है जो कि ट्रूप की वजह से लगा होता है। और ब्रिज पर लगने वाले इस जाम वाले सीन को शूट करने के लिए काफ़ी समय तक के लिए इस ब्रिज को ब्लॉक कर दिया गया था। साथ ही फिल्म में आपको यहाँ की जितनी भी सड़कें सब भीगी दिखाई देंगी तो इनको शूटिंग से पहले ही और साथ ही शूटिंग के साथ भी गीला किया गया था पानी से। इस सीन के लिए कई चाइल्ड आर्टिस्ट ने भी परफॉर्म किया है, हालांकि उन सभी ने सिर्फ कैमियो किया है। और इसी सीन में प्रभास सर व पूजा दोनों ही लोग भाप पर लिख कर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। विक्रमादित्य के गुरुजी परमहंस का किरदार किया है सत्यराज सर ने। वैसे कटप्पा का किरदार भी इन्होंने ही किया था। इस फिल्म का जो ओपनिंग सीन है जहां पर गुरुजी को पूजा करते हुए दिखाया गया है और कुछ साइंटिस्ट इनसे मिलने के लिए आते हैं, इस ओपनिंग वाले सीन को माधव राय स्वामी टेम्पल जो कि गंडीकोटा में है वहीं पर शूट किया गया है। और फिल्म में यहाँ का जो सीन है कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। यह BTS सीन उस समय का है जब विक्रमादित्य यानी प्रभास सर के गुरुजी विक्रमादित्य से मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं। बाकी BTS से पहले हम बात कर लेते हैं इसे क्लाइमेक्स वाले BTS के बारे में। यह BTS सीन उसी समय का है जब प्रभास सर एक फ़ोन बूथ से कॉल करते हैं पूजा हेगड़े के पास में और उसके बाद में जाते हैं टैक्सी पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो पीछे आप इमारत देख रहे हैं इसे प्रोजेक्शन से बनाया गया था, लेकिन टैक्सी न मिलने की वजह से वो एक शिप के थ्रू वापस लौटते हैं। और फिल्म में जो शिप दिखाया गया है वो असल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, उसे VFX के थ्रू बनाया गया था। और इस शिप का जो एक्सटीरियर व इंटीरियर है वो कुछ इस तरह से वर्चुअल रूम में सेट किया गया था। जब भारी बारिश की वजह से शिप में पानी आने लगता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पानी आने के लिए दरवाजा खुलने वाला सीन है उसे किस तरह से तैयार किया गया है। फिल्म में दिखाया गया शिप के कंट्रोल्स का उड़ना, नाव में पानी आना और जो शिप दिखाया गया है उसके ऊपर बारिश का होना, ये सारे ही सीन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किए गए हैं। और इन सीन्स को रिकॉर्ड करने के लिए काफी ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ी थी जिनसे कि ये सारे ही सीन फिल्म में बिल्कुल रियल लग सके। या वही BTS सीन है जब पानी में आधा सिर डूब जाता है और इसके ऊपर प्रभास सर चढ़ के खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ऊपर से पानी में गिर जाते हैं और पानी के अंदर जो तैरने वाले सीन है और साथ ही गुलाटी खाने वाले जो सीन है
उन्हें यहाँ पर देखिए किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। और कुछ देर तक पानी में रहने के बाद में जब अचानक से वह ऊपर की तरफ आते हैं तो ये है उसी सीन का BTS है। वैसे तो इस फिल्म का क्लाइमैक्स मैक्सिमम VFX एंड CGI से बनाया गया है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट वास्तव में बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है बनकर के। इस फिल्म में प्रभास सर ने किसी को भी एक चाटा तक नहीं मारा। दिस इज प्योरली रोमांटिक ड्रामा फिल्म। यह BTS सीन उस समय का है जब कुछ लोग प्रभास सर का पीछा करने लग जाते हैं, क्योंकि प्रभास सर ने एक भविष्यवाणी की होती है जो कि उनको पसंद नहीं आती है। और यहाँ से बच के भागने वाला जो सीन है उसे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्म में दिखाया गया है, बट भागने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वह सीधे पूजा हेगड़े जी के अस्पताल में पहुंच जाते हैं। और यह उसी हॉस्पिटल का BTS सीन है। वैसे फिल्म में यह सीन बहुत ही फनी है और यहीं पर प्रभास सर अपने प्रैक्टिसिंग इन द डेथ वाला डायलॉग बोलते हैं। और घर पर पहुंचकर पूजा जी भी प्रैक्टिसिंग इन द डेथ वाला सीन करती हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टर साहब बता रहे हैं किस तरह से एक्टिंग करनी है। इस फिल्म में एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है मुझे आसकी आ गई के नाम से। तो ये जो सीन आप देख रहे हैं ये इसी वीडियो सॉन्ग का बिहाइंड द सीन है। वैसे इस वीडियो सॉन्ग की शूटिंग कई सारी डिफरेंट लोकेशंस पर की गई है और इसी वजह से इस गाने की विजुअल्स तो अमेजिंग है ही, लेकिन इसका जो ऑडियो है हिंदी में वो बहुत ही जबरदस्त है। वैसे इस गाने के हिंदी वर्जन को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने और लिरिक्स लिखे हैं मिथुन सर ने। जब प्रभास सर व पूजा हेगड़े दोनों ही लोग एक ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तब एक व्यक्ति इनको पहचान लेता है और अपनी बच्ची का भविष्य पूछता है। इसके बाद बाकी लोग भी अपना हाथ दिखाने लगते हैं। जब ट्रेन से उतरते हैं प्रभास सर तो उनको लगता है कि ट्रेन का एक्सीडेंट आगे होने वाला है और इस एक्सीडेंट को बचाने के लिए प्रभास सर जंगल से होते हुए आगे की तरफ दौड़ते हैं। यह उसी जंगल वाली दौड़ का BTS है। यह BTS सीन उस समय का है जब प्रभास सर पहली बार पूजा हेगड़े को अपने घर पर लेकर के आते हैं और अपना घर दिखाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। फिल्म में ये वाला सीन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। यह BTS सीन उस समय का है जब प्रभास सर पूजा हेगड़े से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं। वैसे इसके लिए एक प्रॉपर सेट तैयार किया गया था, बट बैकग्राउंड में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सारा ही VFX से बनाया गया है। और अभी प्रभास सर अपने टेक को देख रहे हैं यहाँ पर। वैसे पोस्ट लॉकडाउन इंडिया में इस फिल्म की शूटिंग के लिए बड़े से सेट प्रिपेयर किए गए थे यूरोपियन तर्ज पर। ये सीन इसी फिल्म के ये इश्क न हो डांसिंग सॉन्ग का बिहाइंड द सीन है, जहां पर पूजा हेगड़े और प्रभास सर दोनों ही लोग डांस करते हैं। वैसे फिल्म में इस जगह का जो एक्सटीरियर दिखाया गया है वह असल में रेसिडेंस ऑफ रॉयल हाउस है। इसी सॉन्ग के बाद में प्रभास सर एक येलो कार में बैठ करके अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए निकल जाते हैं और कार के अंदर का जो सीन है उसे शूट करने के लिए कैमरे को कार के ऊपर कुछ इस तरह से प्लेस किया गया था। इस फिल्म में पूजा हेगड़े की कार का जो एक्सीडेंट सीन है उसे कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। एक्सीडेंट के बाद में जब ये हॉस्पिटल में होती हैं ये उसी समय का BTS है। और यह कार एक्सीडेंट सीन एंड ये वाला सीन ये दोनों ही आपको फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगे। इस फिल्म का प्रमोशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया गया था। इसके लिए ट्रेन पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे, साथ ही कुछ जगहों पर फिल्म थिएटर्स के पास में एस्ट्रोलॉजी कॉर्नर्स भी बनाए गए थे, क्योंकि ये फिल्म पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है। आई होप राधे श्याम मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। अगर कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू।